नमस्कार दोस्तों, अपना फोर्थ सेमेस्टर का लेसन चल रहा था विद्युत शक्ति पारेषण। विद्युत शक्ति पारेषण के अंदर अपना आज अपन लेके आया पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर में अपना जो टॉपिक है वो आया आज का शिरोपरी लाइन में डील, यानी शिरोपरी लाइन में डील जो अपना ओवरे लाइन लेके जाते है इसके अंदर अपने को कितनी डील देनी चाहिए। अगर अपन शिरोपरी लाइन में डील नहीं देंगे तो कई बार क्या होता है कि जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो अपने जो तार होते हैं वो टूट सकते हैं, या फिर तापमान की वजह से तारों में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से तार टूट सकते हैं। तो शिरोपरी लाइन में डील क्या होती है कि जैसे आपका ये खंबा है, यहाँ पे दूसरा खंबा आप यहाँ पे है, और जब यहां से आप तार लेके जाते हैं तो तारों को अपन ऐसे सीधा नहीं ले जा सकते, ऐसे टाइट नहीं कह सकते, ये विधि आपकी बिल्कुल गलत है। अगर तारों को आप अगर सीधा लेके जाते हैं तो कई बार क्या होता है तापमान परिवर्तन से तारों की लंबाई में थोड़ी कमी या वृद्धि होती है। अगर तारों को टाइट रखेंगे, तापमान ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे तार टूट सकते हैं, आंधी तूफान से पोल भी टूट सकता है, खंबे भी गिर सकते हैं। इसलिए शिरोपरी लाइन में डील देना जरूरी है। डील का मतलब होता है कि यहाँ पे इस खंबे से इस खंबे तक जो ये तार जा रहा है तो यहाँ पे तार के अंदर इतना डील देना जरूरी है, तार को आप इतना नीचे तक लेके जाओगे, ये होती है शिरोपरी लाइन में डील। इस डील से क्या होता है कि तापमान वृद्धि से जब तार ढीला होता है तो आपकी जो तार टूटने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है आंधी तूफान में। और इस प्रकार से शिरोपरी लाइन के अंदर तारों में क्या देनी चाहिए, डील देनी चाहिए। और जब ये शिरोपरी लाइन में डील देते हैं तो ये डील इतनी भी ज्यादा नहीं देनी चाहिए कि हवा चलने पर दोनों तार आपस में ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि ये जो डील है वो ऐसे इतनी भी नहीं देनी है। अगर आप ऐसे ज्यादा डील दे दोगे, ये भी विधि गलत है, तो हवा चलने पर दो तार आपस में स्पर्श कर जाएंगे और शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसलिए शिरोपरी लाइन में बहुत कम डील देनी चाहिए, इतनी डील देनी चाहिए कि तापमान वृद्धि से तार उसकी लंबाई को सहन कर सके, और हवा चलने पर एक तार दूसरे तार से शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो ये थी शिरोपरी लाइन में डील। अब इसका टॉपिक अपन अपने यहाँ पे थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। शिरोपरी लाइन में डील, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव शिरोपरी लाइन में तारों पर भी पड़ता है, यानी जब वातावरण में तापमान परिवर्तन होता है, सर्दी आती है तो तापमान बढ़ता है करता है, और जब गर्मी आती है तो तापमान बढ़ता है, तो तारों पर भी इसके तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि से तारों की लंबाई बढ़ती है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो तारों की लंबाई बढ़ती है, और तापमान की कमी से तारों की लंबाई भी घट जाती है, यानी कि जब तापमान कम होता है तो तारों की लंबाई भी घट जाती है। यह आवश्यक है कि शिरोपरी लाइन में तारों में डील रखी जाए, ये बहुत जरूरी है ये टॉपिक, कि शिरोपरी लाइन के तारों के अंदर डील रखी जाए जिससे कि लाइन तापमान परिवर्तन को सह सके, यानी कि तार उसके तापमान को सह सके, तथा तारों में इतनी डील भी नहीं देनी चाहिए कि आंधी चलने पर एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर दे। ये सबसे ज्यादा सावधानी रखी जाती है कि तारों में इतनी भी डील नहीं देनी चाहिए कि आंधी व तूफान चलने पर तार एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर दे, और ये जो तारों की डील होती है वो बिल्कुल कम रखनी चाहिए जिससे कि आपकी जो तार है वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो। इस प्रकार से अपना टॉपिक था शिरोपरी लाइन में डील। अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति लाइन की किस्में, यानी कि वोल्टेज के अनुसार विद्युत शक्ति की जो लाइनें होती है वो कितने प्रकार की होती है। वोल्टेज के अनुसार विद्युत शक्ति की लाइन तीन प्रकार की होती है। पहली होती है निम्न वोल्टेज लाइन, यानी कि 440 वोल्ट तक की जो लाइन कहलाती है वो निम्न वोल्टेज लाइन कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। सिंगल फेज के अंदर 220 वोल्टेज होता है जिसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। थ्री फेज की लाइन के अंदर 440 वोल्टेज होता है जिसमें तीन फेज होते हैं, आर वाई बी और न्यूट्रल। ये दो प्रकार की सप्लाई होती है, ये लाइट एंड फैन के लिए और ये पावर परिपथ के लिए, यानी बड़ी मोटर चलाने के लिए थ्री फेज की सप्लाई काम में लेते हैं, और लाइट फैन फ्रिज आदि चलाने के लिए सिंगल फेज की सप्लाई काम में लेते हैं। तो पहली आती है निम्न वोल्टा लाइन, 440 वोल्टेज की लाइन होती है वो उपभोक्ता लाइन होती है, और वो होती है निम्न वोल्टा लाइन। दूसरी होती है मध्यम वोल्टेज की लाइन, 11 केवी तक की जो लाइन होती है वो मध्यम वोल्टेज लाइन में आती है।
ये आपके वितरण लाइन के अंदर देखने को मिलती है। वितरण जो स्टेशन होता है यानी सब स्टेशन होता है वहाँ पे आपके 11 KV की लाइन होती है, मध्यम वोल्टेज लाइन होती है, और ये हमेशा सब स्टेशन पे आती है। सब स्टेशन में जो वोल्टेज होती है वो कौन सी होती है? मध्यम वोल्टेज लाइन, 11 KV की लाइन। दूसरा होता है उच्च वोल्टेज लाइन, 33 KV, 66 KV, 1,32 KV और 220 KV तक की जो लाइन होती है वो आपकी कहलाती है उच्च वोल्टेज लाइन। यानी ये जो लाइन होती है वो आपकी पारेक्षण लाइन होती है। ये लाइन कौन सी होती है? आपकी पारेक्षण लाइन। और ये हमेशा खंबे और टावरों के ऊपर लेके जाते हैं। यानी जो उच्च वोल्टेज लाइन होती है आपकी, जो उच्च वोल्टेज लाइन होती है, जो पारेक्षण की जो वोल्टेज होती है लाइन होती है, उसको बड़े बड़े टावरों पे ले जाया जाता है और इसको बोलते हैं ग्रिड स्टेशन। यानी ग्रिड स्टेशन में जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो होती है उच्च वोल्टेज लाइन। ग्रिड स्टेशन में कौन सी वोल्टेज होती है? उच्च वोल्टेज। और सभी स्टेशन में कौन सी होती है? मध्यम वोल्टेज। और घरों में कौन सी होती है? निम्न वोल्टेज की लाइन। इस प्रकार से एक एक लाइन का मैं एक विस्तार से बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। पहली होती है निम्न वोल्टेज लाइन, 400 वोल्ट थ्री फेज सर्विस लाइन निम्न वोल्टेज लाइन कहलाती है। यानी 400 वोल्टेज सर्विस की जो लाइन होती है वो निम्न वोल्टेज लाइन कहलाती है। इस लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट थ्री फेज एसी की आपूर्ति की जाती है, थ्री फेज की आपूर्ति की जाती है इसके द्वारा, RYB और न्यूट्रल। इसके साथ ही 230 वोल्ट सिंगल फेज आपूर्ति की 3 लाइनों के द्वारा उपभोक्ताओं को लाइट फैन के लिए अलग से या सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है। यह लाइन नग्गे तारों अथवा केबल वाली होती है। यानी इसमें क्या करते हैं, थ्री फेज के साथ साथ में आपके सिंगल फेज की लाइन निकालते हैं जिससे लाइट और फैन अपन चला सकते हैं। दूसरी होती है मध्यम वोल्टेज लाइन, 11 किलो वोल्ट की थ्री फेज 3 तार लाइन मध्यम वोल्टेज लाइन कहलाती है। 11 किलो वोल्ट की थ्री फेज 3 तार, RYB, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, थ्री फेज की 3 लाइन कहलाती है, वो कहलाती है मध्यम वोल्टेज लाइन। इस लाइन के द्वारा सभी स्टेशन 33 से 11 केवी से विद्युत वितरण केंद्रों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत केंद्रों की कॉलोनियों में स्थापित एक ट्रांसफार्मर होता है, वो 11 KV to 440 वोल्टेज बदलता है, जिसको अपन बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर। एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वारा अपन 11 KV से कितना बनाते हैं? 440 वोल्ट। यानी इसके कनेक्शन होते हैं वो होते हैं डेल्टा टू स्टार। प्राइमरी के कनेक्शन होते हैं डेल्टा में, सेकेंडरी के होते हैं स्टार में। सामान्य यह लाइन खंभों पर स्थापित नग्गे तार की लाइन होती है, परंतु आवश्यकता अनुसार इस लाइन को भूमिगत भी ले जा सकते हैं। भूमिगत यानी जमीन में दबाकर भी इस लाइन को ले जा सकते हैं। यानी इन दोनों को केबल के माध्यम से भूमिगत भी ले जाया जाता है और ओवरहेड भी ले जाया जाता है। इस लाइन को भूमिगत भी ले जाते हैं और ओवरहेड, दोनों प्रकार से इस लाइन को ले जा सकते हैं, निम्न को और मध्यम को। अधिकतर मध्यम वोल्टेज को केबल के माध्यम से ही ले जाते हैं। अपना आज का थर्ड टॉपिक है सिरोपली लाइन संबंधित भारतीय विद्युत नियम। यानी कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार कुछ सिरोपली लाइन के कुछ नियम बनाए गए थे, वो भारतीय विद्युत शक्ति के नियम कहलाते हैं। इसके अनुसार इसमें अपना पहला नियम होता है नियम नंबर 77 में क्या होता है कि लाइन के निचले तार व भूतल की ऊंचाई से निम्न दूरी। यानी जब आपका ये खंभा है और ये आपकी जब जमीन है और यहाँ पे आपके कोई लाइन का तार जा रहा है, इस तार की ऊंचाई इस जमीन से कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर होनी चाहिए, ये भारतीय नियम नंबर 77 बोलता है कि यहाँ पे ये कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए। 11 KV की लाइन में कितना रखना चाहिए, 33 KV की लाइन में कितना रखना चाहिए, और 650 की कोई वोल्टेज जा रही है तो उसमें ये कितनी ऊंचाई का अंतर रखना चाहिए जमीन में और तार के ऊपर। तो अपना नियम नंबर 77 पहला वो बोलता है कि सड़क पर पार करती हुई लाइन, अगर कोई लाइन सड़क को पार कर रही है, जैसे ये कोई सड़क है, ये खंबा है और ये खंबा है, बीच में ये रोड है, अगर इस खंबे से लाइन इस खंबे तक रोड को पार कर रही है तो वहां पे कितना ऊंचाई पे लाइन जानी चाहिए भूतल से। पहले निम्न व मध्यम वोल्टेज अगर गुजर रही है 650 तक की, तो वहां 5.791 मीटर का अंतर होना चाहिए इस लाइन के और इसके बीच में ऊंचाई का। अगर कोई उच्च वोल्टेज की लाइन जा रही है 11 KV, तो वहां होना चाहिए 6.096 मीटर का अंतर, यानी यहां से लेके और यहाँ तार को जाएगा। दूसरा है सड़क के साथ साथ सर्विस लाइन, अगर कोई सड़क के साथ साथ सर्विस लाइन जाती है आपकी
निम्न बोलता लाइन जाती है, यानी आपका ये आपकी सड़क है, यहाँ पे आपका एक पोल है और यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे ये पोल सड़क के साथ साथ में ये लाइन जाती है, तो इसकी जो तार की ऊंचाई है वो जमीन से 5.486 मीटर होनी चाहिए। अगर उच्च वोल्टेज आती है 11 केवी तक की लाइन तो उसमें होना चाहिए 5.11 मीटर का अंतर भूतल से। अपना नियम नंबर 89 ये कहता है कि समतल छत छज्जा बरामदे लाइन, अगर कोई लाइन छज्जा या बरामदे से टच होके जाती है तो वहां पे सबसे निचले तार की ऊंचाई होनी चाहिए 2.439 मीटर और 52 से 36 दूरी, यानी ये छज्जा है इससे तार की जो दूरी है वो दूरी होनी चाहिए 1.19 मीटर की। नेक्स्ट अपना आता है एक नोट आता है, एक दो नोट है इसके अंदर जो आपको याद करने है। नोट नंबर फर्स्ट ये है कि वितरण लाइन में दो खंभों के बीच की दूरी, खंभे कौन से होने चाहिए आरसीसी के खंभे, खंभे कौन से होने चाहिए आरसीसी के खंभे। विद्युत लाइन में दो खंभों के बीच की अधिकतम दूरी 67 मीटर यानी कि 220 फुट, आप इसको एक रेशो 220 फुट भी ले सकते हैं और अपना 67 मीटर भी ले सकते हैं, यानी कि दो खंभों के बीच की दूरी अधिकतम 67 मीटर या 220 फुट होनी चाहिए टावर के अतिरिक्त। टावर की जो दो टावरों के बीच की दूरी है वो 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 300 मीटर से अधिक। कल के टॉपिक में बताया था कि दो टावरों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 100 से 300 मीटर, लेकिन अगर आरसीसी के कोई खंभे है तो उनके बीच में होना चाहिए 67 मीटर का अंतर या 220 फुट का अंतर। नेक्स्ट अपना नोट है पारेषण लाइन में गार्डिंग की ब्रेकिंग, गार्डिंग मैंने कल बताया था कि कोई भी वितरण लाइन जाती है उसके नीचे तारों का एक जाल बिछाया जाता है, अर्थ किया जाता है कि कोई भी तार टूटे तो उसको जमीन में गिरने से पहले लाइन को बंद कर दे और मनुष्य की दुर्घटना से बचाव हो जाए, तो वो कहलाती है आपकी गार्डिंग। तो पारेषण लाइन में जो गार्डिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, गार्डिंग की जो मजबूती होती है, गार्ड की जो सहन क्षमता होती है उसकी स्ट्रेंथ 635 kg से कम नहीं होनी चाहिए, 635 kg से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये दो नोट्स याद रखने फटाफट मार दीजिए। तो आज का अपना टॉपिक था पार्ट नंबर 4, वो मैंने समझा दिया। आज के अपने 3 टॉपिक थे, पहला टॉपिक था आपका शिरोपरी लाइन में डील, पहला टॉपिक था शिरोपरी लाइन में डील, और दूसरा टॉपिक कौन सा था आपका विद्युत शक्ति लाइन की किस्में, और तीसरा टॉपिक था शिरोपरी लाइन के भारतीय विद्युत नियम। अपन पहले टॉपिक को एक बार और देख लेते, क्या था शिरोपरी लाइन में डील, वातावरण में होने वाले तापमान परिवर्तनों का प्रभाव शिरोपरी लाइन में तारों पर भी पड़ता है, तापमान में वृद्धि से तारों की लंबाई बढ़ती है और तापमान की कमी से तारों की लंबाई घट जाती है, यह आवश्यक है कि शिरोपरी लाइन में तारों में डील रखी जाए जिससे कि लाइन तापमान परिवर्तन को सह सके तथा तारों में इसकी डील भी नहीं होनी चाहिए कि आंधी आने पर एक दूसरे को शॉर्ट कर दे, यानी कि जब भी अपन तार स्थापित करते हैं तो तारों के अंदर डील देना चाहिए, अगर अपन डील नहीं देंगे तो तापमान परिवर्तन से तार टूट सकते हैं, हवा चलने पे खंभे गिर सकते हैं, और ये जो डील होती है वो इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि आंधी चलने पे दो तार आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक था अपना विद्युत शक्ति लाइन की किस्म, यह आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति की जो लाइन है वो 3 प्रकार की होती है, एक होती है निम्न वोल्टा लाइन यानी 440 वोल्ट तक की जो लाइन कहलाती है उपभोक्ता लाइन, वो होती है निम्न वोल्टा लाइन, ये 2 प्रकार की होती है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। सिंगल फेज लाइट फैन के लिए होती है, 3 फेज पावर के लिए होती है। इसका जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में किए जाते हैं जिससे कि अपने को न्यूट्रल बिंदु प्राप्त हो जाए। दूसरी होती है मध्यम वोल्टा लाइन, 11 केवी तक की जो लाइन होती है यानी सभी स्टेशन पे आती है, वो आती है 11 केवी 33 केवी टू 11 केवी, तो ये 11 केवी की जो लाइन होती है सभी स्टेशन में ये आपकी कहलाती है मध्यम वोल्टा लाइन, और इसमें कोई भी न्यूट्रल बिंदु नहीं होता, अगर न्यूट्रल बिंदु होता भी है तो इसको अर्थ किया जाता है, न्यूट्रल बिंदु को क्या किया जाता है अर्थ किया जाता है। तीसरी होती है उच्च वोल्टा लाइन, 33 केवी की, 66 केवी की, 132 की, 220 की, 440 केवी तक की जो लाइन कहलाती है पारेषण लाइन, और ये जो आती है वो आती है ग्रिड स्टेशन में, इस प्रकार से ये उच्च वोल्टा लाइन होती है। यह आज आपके 3 टॉपिक थे, ये 3 टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट जो इसका इस लेसन का जो नेक्स्ट 5वां पार्ट है उसके बाद में आपका लेसन खत्म हो जाएगा, इसका 5वां पार्ट है वो नेक्स्ट आपका कल आएगा, इसलिए इस लेसन के सिर्फ 5 ही पार्ट थे जिसमें आपको मैं 4 पार्ट बता दिया। अगर इस पार्ट में कोई क्वेश्चन आपको डेवलप करना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दे
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।